इमली में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अब इमली की जान लेने की कोशिश करने वाली है अनु। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनु सच्चाई से पर्दा उठा ही लेगी कि आखिर इमली और आदित्य का क्या रिश्ता है और क्या है इमली का देव से रिश्ता। सारी सच्चाई यहाँ पर सामने आते हुए नजर आएगी कि यहाँ पर क्यों इसकी फिक्र करता है। और अनु के सामने जैसे ये सच्चाई आएगी उसे बस ये लगेगा कि भाई यहाँ पर अब मालिनी और घर वालों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि इसका तो पूरा कनेक्शन ही मेरी फैमिली से है। तो यहाँ पर मालिनी और देव का कनेक्शन जो है यहाँ पर इमली से, यानी इमली की शादी तो आदित्य से हो चुकी है और उसकी सौतन बन चुकी है और उसकी बहन भी है सौतेली, तो ये रिश्ता अब अनु को बिल्कुल मंजूर नहीं होने वाला है और इसीलिए उठाएगी ऐसा कदम जो कि चौंका के रख देगा अनु। यहाँ पर इमली की जान लेने के लिए गुंडे हायर करने वाले हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल अगर यहाँ पर करंट ट्रे की बात करें तो यहाँ पर इमली आदित्य की जान तो बचा ही लेगी और इसके बाद में वापस से इमली आदित्य के साथ आने वाली हैं यहाँ त्रिपाठी हाउस। तो भाई त्रिपाठी भवन में एक बार फिर से आपको इमली देखने को मिलेगी, लेकिन जल्द ही इमली की जान लेने की कोशिश करेगी अनु ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मालिनी की जिंदगी संवर जाए। देखना इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से अब ये मुसीबत टलेगी और कैसे अब ये सब ड्रामा खत्म होगा और कैसे आदित्य और इमली की कई शादी का राज सबके सामने आता है। और अनु का यही ड्रामा शायद इमली और आदित्य की शादी का सच भी सबके सामने ला के रख देगा, क्योंकि सीधे तरीके से तो आदित्य और इमली की शादी का सच सबके सामने नहीं आने वाला है। इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और इस ट्विस्ट के ज़रिए ये शादी का सच सबके सामने सडनली आएगा। तो दोस्तों आपको आने वाले एपिसोड कैसे लग रहे हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।